चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाई तुलसी देवी प्रिया केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐ छय गोसारी करी चरण वंदर, जाहा हैते विघ्न नाथ अभीष्ट पुरर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कल है रामनवमी, हम कोशिश करेंगे दो चार दिन श्री राम जी की कथा सुनने के। जब हम मथुरा में रहते थे गुरुदेव कभी कभी बहुत दिन तक ये राम की कथा सुनाया करते थे। और गुरुदेव अक्सर करके जब हम कहीं बाहर गए प्रचार करने के लिए कहीं कहीं गुरुदेव राम कथा भी कहते थे। और राम गुरुदेव खुद कहते थे जब मेरे को रोने की इच्छा करता था मैं ये रामचरित मानस को लेकर बैठ जाता था और उसको पढ़ पढ़ करके मैं रोया करता था। अरे गुरुदेव को राम और गुरुदेव बक्सर के हैं, गुरुदेव बक्सर के हैं, इसलिए राम भगवान जब वनवास में गए और वहीं पर श्री विश्वामित्र जी का भी भजन स्थली है, उसका आस पास में भगवान राम तारका को भी भगवान ने वध किया है, इसलिए गुरु जी को राम कथा बहुत बहुत प्यारा था हैं। इसलिए गुरुदेव राम जब ये रामनवमी में आया करता था गुरुदेव भी मथुरा में हैं कुछ दिन तक ये राम कथा सुनाया करते थे और एकदम प्रेम में गदगद हो जाते थे। कहते जो राम जी का जो कथा है वो इतना प्रसिद्ध है श्री राम की कथा है। अब देखना ब्रज में भी गांव गांव में जाओ यहाँ पर तो राधे राधे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जब कहीं कृष्ण लीला हो ना, अब देखना कृष्ण लीला जब सखा के साथ में क्या कहते हैं राम राम भैया। अक्सर करके कृष्ण भक्ति तो दुर्लभ है, अक्सर कर कहीं भी जाओगे कृष्ण कृष्ण बोलना तो बहुत कम सुनने को मिलेगा, लेकिन राम राम बोलने की बात बहुत। राम 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 भैया
कैसे हो राम राम जी हैं। इसलिए ब्रज में भी कृष्ण के जो सखा सख लोग हैं वो थोड़ी कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, वो तो कृष्ण को अपना मित्र समझते हैं, वो भी कहते हैं राम राम भैया कैसे हो ठीक ठाक हो। इसलिए इतने जो भगवान राम ने ये लीला की इतना प्रसिद्ध है, इतने प्रसिद्ध है पूरा जगत समझो राम हो गया है। कि जो रामचंद्र ये कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम लीला है, कृष्ण का जो लीला है ये कौन सा लीला है, ये लीला पुरुषोत्तम है। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे कि जब तक कोई राम लीला में प्रवेश नहीं किया है कहते कृष्ण लीला में कभी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मर्यादा का बगैर है मर्यादा का जो विहीन कहते कृष्ण लीला, कृष्ण की कोई भी चीज को हम अपना जीवन में उतार नहीं सकते। क्या पुतना को मार सकते हैं, अगासुर को मार सकते हैं, कि कृष्ण जैसे चोरी करते थे क्या चोरी कर सकते हैं, कृष्ण जैसे गोपियों का वस्त्र हरण क्या वस्त्र हरण कर सकते हो, कृष्ण जैसे रास रचाए कहीं रास कर सकते हो, कृष्ण जैसे अग्निपान किया कहीं तुम अग्निपान कर सकते हो। कृष्ण की कोई भी लीला को हम अपना जीवन में अनुकरण नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो राम का जो लीला है ना ये सब के सब चीज को हम अनुकरण कर सकते हैं। इसलिए जब तक प्रभु राम लीला में प्रवेश नहीं हो कृष्ण लीला तो बहुत दूर की बात कृष्ण लीला है, है? इसलिए राम लीला में एक संसार को सुष्ट रूप में चलाने के लिए राम का जो आदर्श जो मर्यादा पुरुषोत्तम है ये बहुत बड़ा आदर्श है। भाई भाई में कैसे प्रीति होनी चाहिए, पिता माता में कैसे प्रीति होनी चाहिए, पति पत्नी में कैसे संबंध होनी चाहिए, ये सारे जो संबंध ज्ञान है ये मर्यादा रामलीला में परिपूर्ण रूप में ये रामलीला में। एक दिन हमारे गुरु जी को किसी ने पूछा भले गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते हैं, तो बच्चे सारा दुनिया की एक ही कथा बच्चे बात नहीं सुनते, तो गुरु जी कहते थे बोले बेटा रामायण पढ़े हो, बोले बेटा कभी रामायण पढ़े, बच्चे को कभी रामायण पढ़ाया, बोले नहीं। तो गुरु जी कहते थे जब खुद रामायण नहीं पढ़ोगे बच्चों का रामायण नहीं पढ़ेगी तब तुमको बच्चे सम्मान कहाँ से करेंगे, आदेश से कहाँ पालन करेंगे, कहाँ पर बताया गया है, कहाँ पर बताया गया पुत्र को बच्चे का बात सुननी चाहिए, रामायण को बताया गुरुदेव कहते थे। क्योंकि भगवान स्वयं होते हुए भी अपना पितृ आदेश को पालन करने के लिए भगवान 14 साल के लिए वनवास गए, 14 साल के लिए वनवास ठाकुर जी गए, और कहते अपना माँ की नहीं सौतली माँ, वो कैकेयी की आदेश पालन करने के लिए, सुमित्रा की नहीं। अब रामायण तो देखे होंगे जब रामचंद्र वनवास जा रहे थे दशरथ महाराज ने आदेश दिया, अब रामायण देखे होंगे जब राम जा रहे थे दशरथ महाराज रो रो करके मत जा बेटा मत जा मत जा, लेकिन भगवान क्या मर्यादा स्थापन किए, रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए वरु बचन न जाए, प्राण चले जाए लेकिन बचन नहीं जानी चाहिए। इसलिए भगवान 14 साल के लिए वनवास हुए, फिर भरत लेने के लिए गए रामचंद्र को लेने के लिए गए, भगवान आए बोले नहीं, बोले पिता चले गए, बोले चले जाने पर क्या होगा, कहते ने अपना बात को वापस ले लिया, बोले नहीं पिताजी ऊपर से देखते होंगे हमारे बच्चे हमारे आदेश को पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो पिता ऊपर से देखते होंगे। इसलिए भगवान 14 साल के लिए भगवान ने वनवास रहे, इसलिए पिता माता की सेवा करनी चाहिए, कहाँ पर बताए चरण चुननी चाहिए, कि रामायण गुरुदेव ये कहते थे कहते प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमः माता, भगवान सवेरे उठ कर सबसे पहले क्या करते थे पिता माता की चरण की सेवा करते, चरण छूते थे। जब दशरथ महाराज शयन करते थे भगवान स्वयं जाकर पिताजी के चरण की सेवा करते थे, हम लोग ये पिता माता की जब चरण दबाए दवा कौन कौन दवाई हाथ उठाओ, बोले ये चीज कहते ये चीज कहाँ से हमें सीखने को मिली है, किसने ये चीज सिखा दी हमें पिता माता के चरण की सेवा करनी चाहिए, कौन सिखा दी, भगवान राम ने ये चीज सिखा दी, हम भी बचपन में पिताजी की मैया की भी पिताजी की भी हमने चरण दबाए। इसलिए जब तक कोई रामलीला नहीं पड़ेगा ना उसका संसार कभी सुष्ट रूप में चल ही नहीं सकती है, चली नहीं सकती है।
तब भी उसको संसार सुख रूप में चल ही नहीं सकती जब तक कोई रामलीला कोई अनुसरण जो ही कोई नहीं करते हैं। इसलिए भाई भाई में कैसे मित्रता होनी चाहिए, क्या अद्भुत आदर्श है भगवान का, भाई भाई में कितने प्रेम होनी चाहिए है। भरत राम को राज्य दे रहे, भरत राज्य राम को, राम भरत को दे रहे, कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं। पर लास्ट में भरत ने क्या किया, रामचंद्र का पादुका को अपना सर पर लेकर गया और पादुका को सिंहासन पर स्थापन करते हुए 14 साल तक उन्होंने जटाजुट बलकल वेश धारण करते हुए नंदीगांव में उन्होंने उनकी चरण की पादुका को उन्होंने सेवा की। कितने बड़े आदर से लक्ष्मण उनके छोटे भाई है, लेकिन होने पर भी बड़े भाई को किस रूप में माननी चाहिए, गुरु रूप में, पिता रूप में। कि किसने सिखा दिया बड़े भाई को पिता रूप में माननी चाहिए, किसने सिखा दिया, राम लक्ष्मण ने इस चीज को सिखा दी है। भाई भाई में कैसे प्रेम, बेटा पुत्र में कैसे प्रेम है, माता माता में कैसे प्रेम होनी चाहिए। जिस घर में कहते राम जैसे बेटा हो और सीता जैसे बहू हो और लव कुश जैसे बेटे हो, बस कहते वही घर अयोध्या। अयोध्या मतलब क्या है, जहाँ पर कभी युद्ध नहीं होता है। अवध मतलब क्या है, जहाँ पर कोई मरते नहीं। कहते दैवी की भौतिक की तापा जहाँ नहीं व्यापा, जहाँ पर कभी आध्यात्मिक आदि दैवी और आदि भौतिक जो तीन तरह का जो दुख है जहाँ पर कभी व्याप्त नहीं किया, बोले कहाँ पर है, बोलिए अयोध्या में। क्यों अयोध्या, जहाँ पर श्री राम राज्य। हम कहते हैं ना राम राज्य, राम राज्य मतलब क्या है, कहते राम राज्य में कोई दुखी नहीं थे, यहाँ तक भी वहाँ के जो पशु पक्षी भी वो भी राम राज्य में कोई दुखी नहीं थे। क्यों, भगवान राम सभी की भाषा समझते थे। जब राम दरबार लगता था और सबके सब आते थे अपना दुख की बात बोलते थे, इसलिए हम कहते राम राज्य जहाँ पर कोई दुखी नहीं, सबके सब राम राज्य में सबके सब सुख में आनंद पूर्वक विराजमान करते थे, इसलिए उसको कहते राम राज्य। इसलिए गुरु जी कथा सुनाते थे ना, कोई एक ब्राह्मण जा रहा था, जाते समय क्या हुआ, जब ब्राह्मण जा रहा था इतने में स्नान करके आ रहा था पूजा करने के लिए, देखा रास्ता में एक कुत्ता सोया हुआ, उन्होंने कोशिश किया कुत्ते को हटाने के लिए, हट हट, लेकिन कुत्ता हटा ही नहीं। तो उसने क्या किया, वहाँ पर डंडा पड़ा हुआ था, उठाया डंडा और मारे कुत्ते को। कुत्ते को मारे तो शाम को जब भगवान का राम दरबार बैठ रहा है, सबके सब राम राज्य के लोग आते थे दुख सुख बोलते थे, कुत्ता ने कहा प्रभु मेरा भी एक दुख है। बोले क्या दुख है, बोले मैं सो रहा था ये ब्राह्मण मेरे को मारा। रामचंद्र ब्राह्मण को बुलाए, भैया तुमने इसको क्यों मारे, बोले मैं स्नान करके आ रहा था और रास्ता में सो रहा था, ठाकुर को पूजा करना था, मैं अपवित्र हो जाता इसलिए मैंने उसको, बोले हट जाओ हटा नहीं तो मारा। बोले मारना दोष है, मारना ये दोष है, इसलिए तुमको नहीं मारना चाहिए था। इसलिए तब कुत्ते को पूछा अब क्या चाहते, उसका क्या सजा होनी चाहिए, बोले उसको कलिजर जो देश में जो मंदिर है ना उसका महंत बना दे। बोले क्या, कलिजर मठ का महंत, वो देश में बहुत बड़ा मठ था, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, वो एकदम बहुत घनाढ्य मंदिर है, कहते वहाँ तो माला ही मान है, वो पैसा है वहाँ पर, और इतना बड़ा मठ के महंत है, आप उसको, मैंने कहा दंड दो, आप उसको महंत बना रहे हो। देखो गुरुदेव प्राय करके कथा सुनाते थे, वो कहते थे उसी मठ का मैं ही महंत था। बोले तो महंत था, बोले हाँ, बोले फिर ये कुत्ते क्यों बने, बोले ये ठाकुर जी की सेवा में जो चीज आती थी, अब देखना कुत्ता कोई चीज देख लेना, अब देखना कुत्ता का जीवा में हर सब जीप में पानी पड़ता रहता है, कोई खाने की चीज देख ले कोई खाने की चीज देख ले उसको जीप में पानी टपकना शुरू हो जाता है। बोले उसी मंदिर का मैं महंत था जो ठाकुर को सेवा के लिए आता था, उसको मैंने ठाकुर को सेवा में नहीं लगा करके उसको अपना भोग में लगा देता था, इसलिए वो चूंकि मंदिर का मैं था महंत और ठाकुर को सेवा की वस्तु, ठाकुर को सेवा में नहीं लगा करके अपना भोग में लगाया, इसलिए आज मैंने कुत्ता दिया है। और मठ में जो जाएगा ना बहुत संपत्ति है, हैं बहुत संपत्ति है, वो अपने आप लोभ में पड़ जाते हैं, पड़ करके वो ठाकुर को सेवा की वस्तु अपहरण करते हैं,
इसलिए मेरे को, इसलिए ये कुत्ता बनना पड़ गया मेरे को, इसलिए उसको कुत्ता बना दो। देखो यहाँ गुरुदेव प्राय करके ना, गुरुदेव ये कथा सुनाते थे। बोले क्यों सुनाते थे? कभी कभी हम लोगों के पास में भी कभी कभी पैसा ठाकुर को सेवा की आती है। ये पैसा ऐसे की चीज है ना, हैं, पैसा इतना बड़ा लोभ चीज, बड़े बड़े व्यक्तियों का बुद्धि भी खराब कर देता है ये पैसा, बड़े बड़े व्यक्तियों का बुद्धि भी ये खराब कर देती है। इसलिए गुरुदेव प्राय करके जब देखते थे कहीं गड़बड़ी हो रही ना, गुरुदेव ये कथा सुनाया करते। बोले साधु सावधान, हम प्रसाद का समय कहते ना साधु सावधान, दूसरों को सावधान नहीं कर रहे, ये साधुओं को सावधान कर रहे, ये साधुओं को सावधान कर रहे हैं। बोले भैया साधु सावधान, भजन करने के लिए आए हो, इसलिए साधु सावधान, कोई भी ठाकुर जी की सेवा की वस्तु को कभी आत्मसात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मंदिर में पैसा देते हैं वो एक एक पैसा ठाकुर जी की सेवा के लिए देते हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए, तुम्हारी भोग के लिए नहीं। इसलिए गुरु जी कहते हैं 10 रुपया कोई देता है, देखो ना ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर देता है, क्यों? मेरा बेटा का नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, हमारे परिवार में ये दुख कष्ट है, उनकी तबीयत खराब है, उसकी शरीर ये बीमारी है, ठाकुर जी ये जो 10 रुपया दे रहा हूँ इसीलिए 10 रुपया दे रहा हूँ, ये सारे दुख कष्ट। गुरुदेव कहते थे 10 रुपया नहीं, कहते वो पाप है, 10 रुपया नहीं, उसका सारे पाप तुमको दे रहे हैं, उसको हजम कौन कर सकता है? अगर ये ठाकुर जी की सेवा में लगे तो ठाकुर ही उसको हजम कर सकते हैं। अगर तुम स्वयं उसको हजम करने के लिए चाहोगे फिर तो उसकी अगली जीवन में उसको घर में कुत्ते बने होंगे, कुत्ते बने। कहते ना दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ है। अब देखना जो कुत्ता आता है ना, उसको जिस घर में रहता है भगाओ, भागे आने सच में है, इसलिए वो ऋणी के लिए कुत्ता बनता है। इसलिए यहाँ पर कहते राम राज्य में कोई भी राम राज्य में दुखी नहीं थे, सबके सब राम राज्य में प्रसन्न थे, सबके सब राम राज्य में। इसलिए राम का जो लीला है ये एक आदर्श पूर्ण लीला, ये राम लीला है। बोले सियावर रामचंद्र की, कहते जो राम कथा है वो बहुत प्यारी कथा, भगवान की राम कथा है। इसलिए जो जो रामायण है, विशेष करके बताया जो रामायण है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामायण सत कोटि अपारा, कहते रामायण सत करोड़ों की रामायण है, वाल्मीकि रामायण, कृतिवास रामायण और तुलसीदास रामायण, पता नहीं सब देश में अलग अलग अलग। इसलिए बोले रामायण सत कोटि अपारा, रामायण सत करोड़ ये रामायण है। इसलिए कहते जो तुलसीदास जी, ये जो तुलसीदास जी ये भी पहले जब जन्म हुए ना वो दांत उनको था, कोई बच्चा दांत लेकर जन्म लेता है? नहीं लेता है। जब जन्म हुई उसको दांत को साथ में उन्होंने जन्म लिए, सब लोग तो डर गए, इनका बड़े अद्भुत चरित्र है, हैं अद्भुत चरित्र है। कहते ये तुलसीदास जी कैसे हनुमान की प्रभु का दर्शन कैसे मिले इनको? कहते ये जब शौच क्रिया में जाते थे राम, ये तुलसीदास जी एक लोटे में पानी लेकर के जाते थे शौच क्रिया में, और शौच क्रिया के बाद में वो पानी को एक नीम वृक्ष के ऊपर में जो बच जाता था वो पानी को उसमें डाल देते थे। लेकिन वो नीम वृक्ष में रहता था कि प्रेत भूत रहता था, ये जो मरने का बाद जो अपमृत्यु से जो मरते हैं ना वो कोई पानी, अच्छे पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, उनका जीवन बड़ा कष्टमय जीवन है, वो अपवित्र पानी को ही पीते हैं। वो बचा हुआ पानी नीम पेड़ में डालते थे, इसलिए वो प्रेतात्मा उसी पानी को पिया करता था। प्रेतात्मा एक दिन, वो प्रेतात्मा एक दिन दर्शन दिया तुलसीदास को, बोले तुलसीदास जी रोज आपका पानी से ही मैं जिंदा रहता हूँ। बोले मैंने कब पानी पिलाया? बोले ये नीम वृक्ष में मैं रहता हूँ, मैं पवित्र पानी पी नहीं सकता, आप जो बचा हुआ शौच क्रिया का पानी डालते वो पानी को मैं पीता था, इसलिए आपको बर मैं संतुष्ट हूँ, मेरे से कुछ बर मांगो। और तुलसीदास राम भक्त है, बोले दे सकते हैं कुछ? बोले हाँ, बोले मेरे को राम लक्ष्मण का दर्शन दिला सकते हैं? बोले भैया अगर मैं तेरे को राम लक्ष्मण दर्शन दिला सकता था फिर मैं प्रेत जोनि में फिर मैं क्यों पड़ा हुआ, पहले तो मेरा ही उद्धार हो जाता, लेकिन मैं इसका उपाय मैं बता सकता हूँ। बोले बताओ। बोले वहाँ पर एक स्थान पर रामलीला कथा होती है रोज। अब देखना कथा से एक व्यक्ति कथा से सबसे पहले आएगा और सबसे पीछे बैठेगा और हाथ जोड़ करके गदगद होते हुए बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम,
है, जहाँ रघुनाथ का कीर्तन हो वो उतना रूप धारण करते हुए वो जाते हैं और हाथ जोड़ करके अश्रु विसर्जन करते हुए अपना पुलकित तो होते हुए राम कथा को श्रवण करते हैं। और जब कथा का विश्राम हो जाता है, जब सबके सब चले जाए, फिर कथा वाचकों को, कथा श्रोताओं को, जहाँ कथा होती है वो स्थान को प्रणाम करते हुए अंतिम समय में जाते हैं, वही श्री हनुमान। आप उनको चरण पकड़ लो, तुमको बहकाने के लिए कोशिश करेंगे लेकिन बहकना नहीं, वही श्री हनुमत लाल। बात सचमुच से उन्होंने देखा, ठीक कथा से पहले आए, एकदम प्रेम से कथा सुनकर के जो सबसे बाद में जा रहे थे, फिर चरण पकड़ लिए। जब चरण पकड़ लिए बोला, अरे मेरे को क्यों पकड़ रहे हो, मैं शूद्र हूँ, तो अपवित्र हो गया, हम मेरे शरीर में कूड़ है, मेरे को छोड़ दो। तुलसीदास जी बोले, मेरे को पता है आप श्री हनुमत लाल, संत बड़े दयालु कृपालु होते हैं, बोले क्या चाहते हो? बोले मेरे को राम लखनऊ का दर्शन करा दो। बोले देखो कितना चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन जिसे तिलक दे रघुवीर। बोले वहीं पर जाओ, रोज रोज राम लक्ष्मण आते हैं और वहीं पर स्नान करने के लिए, और तुम चंदन घिस करके सब चुका चंदन लगाना, ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। लेकिन ठाकुर तो आए, उन्होंने चंदन तो लगाया लेकिन दर्शन नहीं कर पाए। बोले क्यों? बोले तुलसीदास जी का एक नियम था, वो शिक्षा देते हैं साधुओं का चरित्र कैसे होनी चाहिए, कि तुलसीदास कभी भी वो सर उठा करके नहीं देखते थे, हर समय सर को नीचा करके कितना दूर तक देखते थे, जितना दूर तक कोई कीड़े मकोड़े प्यार में नहीं आ जाए, कम से कम कोई जीव जंतु प्यार को नीचे नहीं आ जाए, केवल उतना तक ही वो दर्शन करते थे, उसको आगे ज्यादा नहीं देखते थे। देखो क्यों? कहते जो ये आंखें हैं ना, जितने इंद्रियों में सबसे दुष्ट कौन है? आंखें सबसे गड़बड़ी है, इसलिए बिल्लो मंगल ने क्या किया, आंख फोड़ दी। बेस्या ने उनको गाली गलौज की, बोले जैसे टाटी पेशाब थैली में तुम जितने आसक्ति हो, तुमने सर्प को रज्जु मान लिया, एक सब को तुमने मान लिया लकड़ी, जितने प्रेम तुम हो ये शरीर में है, अगर उसका एक गुना अगर प्रेम तुम भगवान से कर लेते ना, तेरा बड़ा ही पार हो जाता, तेरा बड़ा ही पार हो जाता। इतने भत्सना की उसको, सचमुच से उसको ना, वो बेस्या से उसको वैराग्य हो गई। लेकिन फिर जब जा रहा था, फिर क्या हुआ, कोई सेठानी पाई पानी भर रही थी, पानी पीने के लिए गए, तो फिर सेठानी के प्रति आसक्ति हो गई, फिर उसको पीछे पीछे चल पड़े। जब चल पड़े बाद में जो चली गई, इतने में घर में डर के मारे चली गई, इतने में उसको पति आकर देखा, जो दाढ़ी जटाधारी के साधु है, बोले बाबा क्या चाहते हो? बोले आपका पत्नी को थोड़ा बुलाओगे? पत्नी को बुलाया, बोले नहीं नहीं नहीं, वो कुएं से मेरे को पीछे पीछे आ रहा है कुएं से, बाबा बड़ा गड़बड़ी है। बोले मैं हूँ ना, आओ उधर। बोले क्या चाहिए पत्नी से? पहले खोपा होता था ना, जो केस बांध कर जुड़ा बांध कर रखते थे, बोले उसमें जो पीन वो दो पीन दे दो। उसको पता ही नहीं चला, दोनों पीन लिया और आँख उसने फोड़ दिया उसके सामने। बोले ये आँख है ना, कहाँ भजने के लिए गया, और कहाँ ये आँख हमें रास्ता से भजन से हमें कहाँ चुत कर दिया, इसलिए न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी, इसलिए आँख ही फोड़ दिए। जितने गड़बड़ी का भजन करने के लिए बैठने के लिए जाओ, किस चीज की याद आती है? जो चीज को हम देखे हो। अभी जो स्मार्टफोन निकला ना, अभी स्मार्टफोन है ना, जानते हो ये क्या है? ये साक्षात कली ही, ये एक रूप धारण करके साधारण लोगों को तो भ्रष्ट कर ही रहा है, ये साधुओं को भी, साधु नहीं जो साधन भजन करने के लिए साधुओं को आए ना, उनका जीवन को भी बर्बाद करने वाला स्मार्टफोन। इसलिए अगर भजन करना चाहते हो इससे दूर रहो, नहीं तो एक दिन तुम्हारी चोटी तो घर छोड़कर जो आया ना, तुम्हारी चोटी पकड़ कर घिसड़ते हुए फिर घर में ले जाएगा। तुमको जाने का जरूरत नहीं, स्मार्टफोन है, तुम्हें एक दिन मंदिर से घिसड़ते हुए यहाँ से लेकर के फिर घर में के डाल देगा तुम। ये इतने गड़बड़ी ये स्मार्टफोन है, ये साक्षात कली ही, ये स्मार्टफोन रूप में ये साक्षात कली आया। इसलिए साधु साधु बोला साधु, इसलिए ये स्मार्टफोन को एकदम मत रखा करो, कोई देने पर भी मत लेना। यार तो मेरे करके 10 स्मार्टफोन मिला हुआ है, लेकिन अभी तक भी मैं कोई एक भी स्मार्टफोन नहीं रखा,
अब मेरे फोन को देखा कितना छोटा फोन है, क्योंकि मेरे को कथा के लिए कहीं जाना पड़ता है, इसलिए मैंने वो छोटा फोन रख दिया। क्यों रख दिया? मैं जानता हूँ अगर मैं स्मार्ट फोन रखूंगा ना, मेरे जितने शिष्य होंगे बोले गुरु जी के पास में भी तो स्मार्ट फोन, गुरु जी भी देखते हैं, हैं? गुरु जी भी देखते हैं, इसलिए मैंने वो स्मार्ट फोन। मैं भी जानता हूँ जितने गड़बड़ी, कोई बोलेगा कथा देखूंगा, अब देखो ना स्क्रीन हटाओ ना, कथा आने से पहले उल्टा पुल्टा चीजें बजा जाए, उसको देखते मैंने किसी को कहा तुम इससे थोड़ा ये स्मार्ट फोन पर कथा सीख लो। बोले महाराज जी ये इतनी गड़बड़ी आप सोच नहीं सकते। बोले क्या? बोले कथा निकालने से पहले ना वो दूसरी दूसरी चीज निकल जाती है। वो कथा क्या देखेंगे, दूसरी चीज देखते देखते गए, बोले सामने जहाँ प्यार पड़ेगा कोई कीड़े मकोड़े मर नहीं जाए उतना दूर तक ही वो देखते थे, उसको आगे नहीं देखते थे। इसलिए उन्होंने जो चंदन दिया भगवान को तो चंदन लगाया, लेकिन वो सर को नीचे करके जो आते थे चंदन लगाते थे, जो आते थे ये चंदन लगाते थे, जो आते थे उसको चंदन लगाया करते थे, हैं? उसको लेकिन भगवान आए चंदन लगाया लेकिन दर्शन नहीं हो पाया। फिर दूसरे दिन आए, फिर हनुमान जी को पकड़े, बोले प्रभु का दर्शन तो हुआ ही नहीं। बोले अरे प्रभु तो आए थे, तुमने दर्शन ही नहीं किया, तुम सर नीचा किया था। बोले मैं सर तो ऊंचा कर ही नहीं सकता, अपना साधन नहीं छोड़ सकता हूँ। देखो ये साधन कितनी बड़ी चीज है, ये साधन कितनी बड़ी चीज है। बोले अपना कोई कोई कहते ना है ना ही गुरुदेव, इसी काम के लिए थोड़ा देखना पड़ता है ना, ये काम के लिए थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन ये साधन कितने बड़ी चीज। देखो हनुमान जी को आना पड़ा, और जब राम लखन आए चंदन लगा रहे थे, जब राम लखन आए पीछे बैठ करके बोले देखो देखो ठाकुर जी आए, देखो ऊपर मुंह ऊपर करो, वो तो सर नीचे गया था। बोले मुंह ऊपर करो, तब उन्होंने सर उठाया, प्रभु राम लखन को दर्शन किया। बोले श्री सियावर राम चंद्र की जय, जोर से बोला बोले श्री राम लक्ष्मण की जय, तो उन्होंने दर्शन किया। इसलिए कहते इन्होंने श्री दर्शन किया। फिर ये तुलसीदास पहले पत्नी प्रति ये भी आसक्ति था, पत्नी अपना पियर गई, वो पीछे पीछे पहुंच गया पियर, भी पीछे पीछे पियर पहुंच गया, उसको पत्नी भी इनको गाली दी। बोले क्या ये गधा शरीर में तुम आसक्ति हो, टाटी पेशाब खून पी की शरीर में क्या आसक्ति है? अरे आसक्ति करना ठाकुर तो मैं आसक्ति करो, ये गंदी चीज में तुम क्या आसक्ति करके बैठा हुआ हो। वो भी उन्होंने पत्नी की भर्त्सना को सुन करके वो भी ऐसे बिल्लो मंगल वो भी उन्होंने आए, और सचमुच से उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखे, बोले ये रामचरित मानस हम ग्रंथ लिखे। तो ये रामचरित जो मानस ये ग्रंथ के ऊपर आता है, कहते ये तुलसीदास जी कौन है, इनके लिए कहते ही कहते ये और कोई नहीं, ये वाल्मीकि है, ये वाल्मीकि ही ये तुलसीदास रूप में आए हैं। क्योंकि बोले जिस समय कहते रामायण सप्त कोटि अपारा, कहते रामायण एक नहीं सप्त करोड़ ना रामायण है, कितने हमारी दो चार ग्रंथ गोस्वामी ने लिखे तभी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। सप्त कोटि अपारा रामायण अगर सौ करोड़ हो, बताओ कब हम सौ करोड़ रामायण को पढ़ेंगे, हैं? समय कहाँ सत करोड़ रामायण को पढ़ने के लिए। इसलिए उन्होंने इतने बोले भैया ये सौ करोड़ रामायण को हम पढ़े कैसे, हैं? ये सौ करोड़ रामायण को हम पढ़े कैसे। तब उन्होंने जब उन्होंने पूछे तो इतने बोले बोले चलो श्री वाल्मीकि के पास में गए थे, फिर उन्होंने बोले चलो श्री हनुमंत लाल के पास में जाते हैं, उनसे हम पूछेंगे कैसे ये रामायण सप्तकोटि रामायण को कैसे अध्ययन करे। जब श्री गए हनुमान जी के पास में तब उन्होंने श्री वाल्मीकि को आदेश दिया, बोले अगली बार में आप श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास रूप में आओ, आ करके ऐसे एक ग्रंथ को रचना करो, ये जितने सारे रामायण जैसे ये रामचरित मानस में जैसे आ जाए। अगर कोई ये रामचरित मानस तो अगर पढ़ ले उसको जैसे सारे रामायण जैसे पढ़ना हो जाए। इसलिए हमारे एक समय अच्युत भट्ट जी कह रहे थे जैसे हमारे संप्रदाय में जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथों को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए किस समय प्रभुपाद ने अपना शिष्यों को भी उन्होंने प्रश्न किया है, बोले बताओ तो ऐसे कौन सा ग्रंथ है, अगर पृथ्वी से सारे ग्रंथ अगर अंतर ध्यान हो जाए ऐसे कौन सा एक ग्रंथ रहे जो एक ग्रंथ सारे ग्रंथ का अभाव को पूरी करेगा। किसने कहा वेद, किसने कहा भागवत, किसने बोले गीता, अलग 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 बात बोले, हैं? अलग अलग बात बोले। जब बोले तो प्रभुपाद कहते हैं लास्ट में दो ग्रंथ बोले
जैसे भगवद गीता, जैसे हमारे श्री, हाँ, जैसे श्रीमद् भागवत। तब प्रभुपाद कहते हैं अगर ये सारे ग्रंथ अगर अंतर्ध्यान हो जाए, अगर ये चैतन्य चैतन्यमृत ग्रंथ जगत में रहे, ये सारे ग्रंथों का अभाव ये एक ही ग्रंथ ही पूरी करेगा। इसलिए हमारे श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे, पहले जब मैं आया वो रामचरित मानस को मैं सर्वश्रेष्ठ मानता था। रामचरित मानस ऐसे ग्रंथ दुनिया में कुछ है नहीं। लेकिन गुरु महाराज कहते थे जब मैंने ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पढ़ा है ना, देखा भैया ऐसे ग्रंथ तो दुनिया में कहीं है ही नहीं, ऐसे ग्रंथ दुनिया में कोई नहीं। जैसे हम इसे चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को हम लोग सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रूप में मानते हैं, जो रामानंदी संप्रदाय का जो लोग है ना, ये चैतन्य चरितामृत जैसे ये रामचरित मानस को मानते हैं। सचमुच से रामचरित मानस में अब भागवत गीता की देखना उसको भी तैयार है, अब भागवत को देखना उसका भी तैयार, उसमें ट्रांसलेशन आप देख लेना, वेद का भी कुछ मंत्र उसमें है। सारे ग्रंथों को उन्होंने जैसे उसकी प्यार रूप में रामचरित मानस में उन्होंने प्यार रूप में ये सारे ग्रंथों को प्यार रूप में उन्होंने रखे सारे ग्रंथों को। इसलिए कहते ये वाल्मीकि ही स्वयं श्री तुलसीदास जी बन करके आए और उन्होंने क्या किया, श्री रामचरित मानस को उन्होंने ये ग्रंथ रूप में रचना किया है। और एक है वाल्मीकि रामायण और एक जो मूल ग्रंथ श्री वाल्मीकि रामायण, ये मूल ग्रंथ है। ये वाल्मीकि भी पहले कौन थे, ये दशरथना करते, ये डाकू डालते थे। जब नारद से मिले, नारद जी को भी पकड़ लिए, बोले बाबा निकालो क्या पानी पास में, निकालो तुम्हारे पास में। तो नारद जी बोले ये बताओ तुम ये जब पाप कर्म करके पैसा कमा रहे हो उसको पाप कौन लेगा, बोले मेरी बीवी बच्चे मेरी पत्नी लेंगे, मेरे पिता माता लेंगे, बोले कुछ करेगा, सबके सब तेरे साथ में, सुख का समय में तेरे साथ में, दुख में कोई पाप लेने वाले नहीं, कुछ कर क्या। लेकिन सचमुच से जो पूछने के लिए गए ना, पिता माता से पूछे, बोले क्यों तेरे को जन्म दे करके लिखा है बढ़ाया क्यों, इतना बड़ा क्यों किया है, इसलिए हम नहीं जानते तू कैसे पैसा कमाते हो। पत्नी से पूछे, बोले घर का काम मेरा बाहर का काम तेरा, मेरे को पता नहीं तू कैसे पैसा कमाता। बच्चों से पूछे, बोले तो अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम लिखाई पढ़ाई करेंगे, फिर बड़े होकर कैसे पैसा कमाएंगे। चीज को जब देखा कोई नहीं लेने चाह रहे, फिर वापस आए, नारद जी को चरण में गिर गए, बोले बाबा आप तो सही बता रहे हो, ये कोई भी मेरे पाप लेने के लिए तैयार नहीं, मैं तो बड़े दुष्कर्म क्या पाप कर्म क्या, बताओ मेरी उधार कैसे होगा। तो बोले उनको बोलो राम, बोलो बोलो जोर से बोला राम, लेकिन उसका मुंह से राम का नाम नहीं निकला, हाँ उसको मुंह से राम का नाम नहीं निकला, क्यों पापी है ना, कहते ना जने पूर्व सत जन्म वासुदेव समर्चना, उसके बाद में इसलोक याद नहीं, इसलिए याद करना। हाँ तन्मुखे हरिनामानी सदा तिष्ठति भारत, कृष्ण कहते हैं अर्जुन कि हरिनाम को कौन ग्रहण कर सकता है, बोले जनई पूर्व सत जन्म वासुदेव समर्चनम, जिसने पूर्व पूर्व जन्म में 100 जन्म तक भगवान वासुदेव को अर्चन पूजा की, तन्मुखे हरिनामानी सदा तिष्ठति भारत, हे भारत वही व्यक्ति हर समय ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वही कर सकता है, सभी नहीं कर सकते। भगवान कपिल देव क्या कहते हैं, अहो बत सपचो, बोलो जोर से, गरियाने जहाग्रे वर्तते नाम तभ्यम ते पुस्तवस्ते जहो सुमदार्या। इसलिए भगवान कपिल देव कहते बोले माँ अहो, अहो मतलब क्या है, रजत जिह्वाग्रे, संपूर्ण जिह्वा नहीं, जिसका केवल जिह्वा की अग्रदेश में है, जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करते क्या समझो है, कहते अहो सपोच, अगर चंडाल क्यों नहीं हो, कुत्ता भोजित चंडाल क्यों नहीं हो, अगर इसकी जिह्वा के अग्रदेश में भगवत नाम उच्चारित तो हो रहे क्या समझनी चाहिए, पूर्व जन्म में उसने चार काम करके आए, सारे तीर्थ में स्नान करके आए, सारे तपस्या करके आए, सारे दान और सारे यज्ञ करके आए, तब भी इसी जीवन में जुहा के अग्रदेश में भगवत नाम को कर रहा है। तब विश्वनाथ चक्रधर कहते हैं अगर जिसकी जिह्वा के अग्रदेश में ही प्रभु का नाम उच्चारण होने पर उसका इतना महिमा, कि जिसका संपूर्ण जिह्वा में भगवत नाम उच्चारण हो रहे उसका कितना महिमा नहीं होगा।
बोले दोनों कानों से जो भगवान की कथा सुनते हैं उसकी कितनी महिमा नहीं होगी, दोनों आंखों से जो ठाकुर को दर्शन करते हैं उसका कितना महिमा नहीं होगा, जो अपना चरण से मंदिर तुलसी परिक्रमा करते उसकी कितने महिमा नहीं होगा, और जो नासिका से ठाकुर की चरण की तुलसी ग्रहण करते हैं वो व्यक्ति कितना महिमान्वित नहीं होगा, जिसकी केवल जीवा की अग्रदेश में अगर भगवत नाम उच्चारण हो तो अगर उसकी इतने महिमा हो सकता है। इसलिए जब उसको बोले बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, लेकिन मुंह से राम का नाम नहीं निकला, क्यों? पापी है ना। बोले बोलता तो मारो मारो बरा बरा तो बोल सकते हो, बोला हाँ इतना तो बोल सकता हूँ। बस उन्होंने उल्टा नाम जपत जग जाना बाल विधि भय ब्रह्म समाना, कहते नाम लेत भव सिंधु सुखाई विचार करह सुमन मन माय। इसलिए कहते कितने फिर उन्होंने दसु रत्ना कर से उन्होंने क्या बन गए, उन्होंने वाल्मीकि बन गई, और भगवान राम आने से पहले उन्होंने रामायण को लिख करके ग्रंथ को उन्होंने रामायण को लिख कर रख दिया। इसलिए कहते जो रामायण जो ग्रंथ है कहते इसका नाम रामायण है। कहते रामायण मतलब क्या होता है, बोले राम और अयन, अयन मतलब होता है आश्रय और अयन मतलब होता है घर। बोले जो की जो भाग जो रामायण ग्रंथ है कहते ये क्या है, कहते ये भगवान का ये निवास है, ठाकुर जी की ये निवास स्थल श्री रामायण है। जैसे भगवान राम रूप में जगत में अवतीर्ण हुए, जैसे भगवान का कहते ना आठ स्वरूप भगवान की, आठ स्वरूप भगवान की आठ रूप में, श्लोक बोलो कौन सा श्लोक है बोलो, इसलिए कहते भगवान का ये आठ रूप में भगवान का स्वरूप है। कहते ये जो रामायण है ये किस रूप में है, जैसे भागवत को बताया तेन अयम बांगमय मूर्ति साक्षात वर्तते हरि, जैसे भगवान शब्द ब्रह्म रूप में है इस जगत में भागवत ग्रंथ रूप में आए, कहते जो रामायण जो ग्रंथ है ये राम का आश्रय भाई ये राम का घर ये श्री रामायण। कहते ये रामायण नहीं, भगवान स्वयं ये शब्द ब्रह्म रूप में ये रामायण ग्रंथ रूप में जगत में जीव की कल्याण करने के लिए ग्रंथ रूप में ये अवतीर्ण हुए। जैसे भागवत में द्वादश स्कंध है, कितना स्कंध है, द्वादश स्कंध है, और द्वादश स्कंध क्या भगवान का द्वादश अंग, कहते पादौ जदियौ प्रथम द्वितीय, जैसे उसमें द्वादश जैसे स्कंध द्वादश अंग है, कहते उसी तरह ये जो रामायण में कहते ये कितना खंड है, सात खंड है रामायण, ये सात खंड है, ये जो सात खंड है कहते ये सात खंड नहीं ये भगवान की सात स्वरूप है। बोले भगवान का कौन सा खंड, ये कौन सा स्वरूप है बता सकते हैं, इसलिए कहते ये कौन सा खंड रामायण का, कौन सा अंग है, कहते ये जो बाल खंड है ये भगवान की चरण है, ये बाल खंड पहला खंड है बाल खंड, ये भगवान की चरण है। दूसरा खंड है फिर अयोध्या है कांड है, ये अयोध्या कांड क्या कहते भगवान की ये कटी प्रदेश है। कहते तीसरा है कहते अरण्य खंड है, कहते ये भगवान की उदर है, भगवान की ये पेट है। कहते उसका किष्किंधा खंड, कहते ये भगवान की हृदय है। उसके बाद में सुंदर कांड, कहते भगवान की कंठ व भगवान की ये गला गल देश है। कहते उसमें युद्ध कांड है, कहते भगवान की मुखार बिंद है, और उसमें में कहते उसमें जो उत्तर खंड है कांड है कहते भगवान की सर है। इसमें सात कांड है, जो सात कांड जो रामायण है ये भी भगवान की सात अंग है, जैसे श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंध द्वादश भगवान की है स्वरूप है, रामायण भी भगवान की ये स्वरूप है। कहते रामायण जो ग्रंथ है कहते जो रामायण जो ग्रंथ है इसके लिए कहते हैं बोले तुलसी अपने राम को भजन करो निसंगो आदि अंत निर्बाह्ये जे नब को अंत। यहाँ पर कह रहे हैं कहते तुलसी अपने राम को भजन करो निसंग को, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते बोले भैया
भगवान राम की भजन करो, निसंकोच होकर के भगवान के राम को भजन करो। बोले क्यों राम को क्यों भजन करेंगे, कारण क्या है? बोले इसलिए राम को भजन करनी चाहिए, ये भगवान स्वयं प्रतिज्ञा दिए हैं। भगवान क्या क्या प्रतिज्ञा है? बोले सकृत एव प्रपर्णा, बोलो, जस्तवाम स्मितते जाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। भगवान कहते हैं कि सात समुद्र को साखी करके भगवान कह रहे हैं, बोले सकृत एव प्रपर्णा, अगर एक बार कोई बोल दे हे प्रभु मैं तुम्हारा और तुम मेरे हो, एक बार कोई बोल दे अभयम सर्वदा तस्मयी, भगवान प्रतिज्ञा करते हैं मैं उसको हर समय अभय प्रदान करता हूँ, ददामि एतत् व्रतम मम, क्योंकि भगवान की व्रत है। जैसे हम व्रत करते हैं ना, एकादशी व्रत करते हैं, जन्माष्टमी व्रत करते हैं, कहते भगवान का भी व्रत है, कहे ठाकुर भी हम ही करते हैं, इसे बात नहीं, भगवान भी व्रत करते हैं। क्या व्रत है? भक्तों को भक्त वत्सल और शरणागति भक्तों को भगवान को भी त्याग नहीं देते। कहते भगवान ये प्रतिज्ञा कब की? भगवान प्रतिज्ञा कब की? बोले जिस समय श्री विभीषण रावण को समझाने के लिए गया, देखो भैया हम पुलस्त्य ऋषि के वंशज हैं, पराई स्त्रियों को उठा करके लाना घर में रखना ये हमारे ऋषि मुनियों का सिख्या नहीं, इसलिए ये सीता नहीं कभी साक्षात माँ लक्ष्मी, कभी सीता सब काल अग्नि रूप में ही आई है, ये सीता नहीं, ये जल तो ही आग है, एक दिन पूरा ये लंका को ध्वंस करके ये जाएगी। जिसको समझ रखे हो ये स्त्री अपना पटराणी बना तो पटराणी नहीं है सीता, ये पूरा लंका को जला करके राग बना करके जाएगी। अगर तू लंका को रक्षा करना चाहते हो क्या करो, ससम्मान को साथ में सीता को वापस दे कर के आओ। ए, इतना सुनते ही रावण को इतना क्रोध आया, मारा लात विभीषण को, हर विभीषण लुढ़कते लुढ़कते आकर के नीचे गिरा है, जब नीचे गिरा उसने अपना मुकुट को रख करके प्रभु राम की शरण में आ गए। जब राम की शरण में आ गए, इतने में राम की शरण में आने पर उन्होंने प्रभु राम को पास में लेकर के आए, जब लेकर के आए इतने में हैं, कहते इतने में कहीं कहीं पर वर्णना आती हैं, कहते जब उन्होंने राम की शरण में आए, जब राम के शरण में आए उनको आए तो बोले क्या चाहते? बोले प्रभु आपका चरण में मैं शरणागत होना चाहता हूँ। वहाँ पर सब मंत्री समाज बैठे हुए थे, जितने सारे मंत्री समाज, सबसे पूछे अभी बताओ क्या करनी चाहिए, शरण देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, बताओ। कोई भी राजी नहीं हुए उसको शरण देने के लिए। बोले प्रभु ये रावण का छोटा भैया, अगर और दूसरा कोई होता ना कोई बात नहीं था, ये रावण का छोटा भाई, ये पता नहीं राक्षसों को समझना बड़ा कठिन है, पता नहीं कोई षड्यंत्र लेकर गुप्तचर बनकर के तो नहीं आया ये, इसलिए खबरदार इसको आश्रय नहीं देनी चाहिए, एकदम उसको आश्रय मत दिया करो। लेकिन वहां पर केवल एक हनुमान था जो केवल बोला प्रभु जी मैंने जाकर के देखा कैसे घर के सामने श्री राम लिखा हुआ था, शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह था, तुलसी की बगीचा जहां पर थी, मैं तो सोच रहा था उत्तर तो उत्तरू कहां पर, मैं देखा जब तुलसी बगीचा देखा इसको घर के सामने तभी मैंने उतरा और देखा श्री राम का नाम शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह, फिर भी मैंने सोचा हो ना हो मेरे को कोई भ्रमित तो नहीं कर रहे, फिर मैंने सूक्ष्म रूप धारण करते हुए अंदर में प्रवेश किया, देखा सचमुच से जिसकी रोम रोम से श्री राम श्री राम श्री राम, जिसकी रोम रोम से राम का नाम निकल रहा था, प्रभु ये पक्का भगत है, ये पक्का भगत है, हैं? लेकिन कोई कोई रखने के लिए तैयार नहीं, कोई उनको कोई भी उनको स्थान देने के लिए तैयार नहीं। इतने में जब तैयारी नहीं हुए, इतने में भगवान राम उस समय में कहते देखो जो एक बार मेरे शरण में आ गया है, भगवान का स्वभाव है जो एक बार प्रभु की शरण में आ गए भगवान कभी उसको त्याग नहीं दिया। तब भगवान ने उस समय उसको विभीषण को पूछा गया, बोले बता अगर तू झूठ बोलता होगा तो, राक्षस है ना, हो सकता है झूठ झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है, अगर झूठ बोलता होगा तो उसी समय विभीषण ने कहा अगर मैं झूठ बोलता हूँ कलयुग में मैं ब्राह्मण बनकर जाऊंगा, कलयुग में ब्राह्मण बनकर के आऊंगा। लक्ष्मण बोले वाह बढ़िया,
सबका सर्वर कटहल तोड़ कर खाओगे। ब्राह्मण चार वर्ण में श्रेष्ठ ब्राह्मण है ना, चार तीन वर्ण ब्राह्मण को पूजा करता है, दक्षिणा देता है, सेवा करता है। अरे वाह, कलयुग में ब्राह्मण बन करके आओगे, सबके सर पर कटहल तोड़ कर खाओगे, बढ़िया बात है। तब उससे भगवान राम कहते, बोलिए विभीषण सही कह रहे हैं, राक्षसा कलिमाश्रित जायती ब्रह्मजनिसु। बोले कलयुग में ये राक्षस लोग ब्राह्मण बन करके सही बता रहे, लेकिन सब नहीं, बाधंती सत्रिय त्रिषा, मतलब जो सज्जनों को द्वेष करते उनके लिए बताया गया, लेकिन जो सज्जन जो भजन करने वाले ब्राह्मण है उनके लिए बात नहीं बताया गया, जो दुष्ट उनके लिए ये बात उनके लिए सबके लिए नहीं है ये बात। इसलिए वहां पर भगवान राम कहते, देखो ये रावण को मारना मेरे लिए कुछ बड़ी वाली बात है? बोले जिसकी एक भ्रुकुटी मात्र से ही ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाती है, उनको राम को मारना कोई बड़ी वाली बात है? चुटकी बजाते से मर जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं ये राम को वध करना मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे एक बार शरणागत हो गया मैं कभी उसको त्याग नहीं देता हूँ। भगवान ये सप्त समुद्र को, भगवान ये सप्त समुद्र को साखी करके कहते हैं, सकृत एव प्रपन्ना, जो एक बार केवल मेरे शरण में आ गया मैं हर समय उसको अभय प्रदान करता हूँ, है उसको मैं अभय प्रदान करता हूँ। उस समय में भगवान राम क्या किया, उन्होंने विभीषण को उन्होंने राज तिलक लगा दिया। सब लोग तो आश्चर्य हो गए, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, अभी तक तो आप रावण को मारे ही नहीं, अब मारने से पहले उसको राज तिलक आपने लगा दिया क्यों? अगर 1% अगर रावण आपके शरण में बन 1% आ गया फिर क्या करोगे, क्या करोगे उसको? 1% अगर आ गया उसको क्या करोगे? अगर इसको आप दे रहे हो लंका, दे राज तिलक मतलब आज से तू लंका का राजा बन गया, अगर विभीषण को लंका का राजा दे दोगे, अगर रावण आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? अब शरण में आ गया तो उसको क्या दोगे? बोले उसको मैं अपना अयोध्या दे देता। बोले अयोध्या तो अब तो अयोध्या को दे करके आए, भरत को तो दे करके आए, अभी अयोध्या भरत के पास में ना, अयोध्या तो भरत को दे करके आए, फिर भरत को क्या दोगे? बोले भरत को अपना गोलोक वैकुंठ दे देता, अपना श्वेत, अपना सांकेत उसको दे दूंगा। बोले अगर सांकेत फिर आप कहाँ रहोगे, आपके लिए तो कुछ रहा ही नहीं, फिर आप कहाँ रहोगे? बोले मद भक्ता जत्र गायंती तत्र प्रतिष्ठामि नारद, इसलिए ना अहम बसामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय न च मद भक्त जात्र गायंती तत्र प्रतिष्ठामि नारद। भगवान कहते ना, जब नारद जी ने पूछा प्रभु आप कहाँ रहते हो, कहते दुनिया कहता है मैं वैकुंठ में रहता हूँ, दुनिया कहता है मैं योगियों का हृदय में, मैं कहीं नहीं रहता हूँ, जहाँ पर मेरे भक्त जन मेरे कीर्तन करते हैं, मेरे भजन करते हैं, कथा करते हैं, मैं वहीं पर रहता हूँ, मैं भक्तों का हृदय ही, वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मामा वैष्णव पर। देखो भक्त ये राम कितने भगवान, कितने दयालु ठाकुर जी, कितने दयालु ठाकुर जी, इतने दयालु ठाकुर जी। इसीलिए ये गोस्वामी जो ये प्यार कहे है ना, वो प्यार में तो बहुत अच्छी बात छुपा हुआ है। कितना टाइम हो गया, हो गया ना 5 मिनट, इसलिए इसमें कहते हैं, हाँ कहते तुलसी अपने राम को भजन करो निसंको, आदि अंत निर्भये जय नव को अंत। उन्होंने एक बढ़िया उदाहरण देकर बोली, बोले तुलसी कहते भगवान को निसंकोच होकर के प्रभु राम को भजन करो, हैं भजन करो। बोले क्यों? बल आदि अंत निर्वाहिए, आदि अंत में जो निर्वाह करता है, बोले कौन? बोले जैसे नव को अंत। उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया अच्छे तरह से, कुछ समझो जैसे 9 अंक होता है ना, ये 9 अंक कभी उसको साथ में जो जुड़ा हुआ व्यक्ति को ये कभी छोड़ता नहीं। जैसे उदाहरण दिया 9 के 9, 9 दुगुणे कितना होगा? 18। 18 1 8 मिलकर कितना हुआ? 9। 9 3 की 36, 27। 2 7 मिलकर कितना हुआ? 9। 9 4 36, 3 6 मिलकर कितना हुआ? 9। 9 9 4 9 5 45, 4 5 मिलकर कितना हुआ? 9। 9 16 54,
पांच चार मिलकर कितना हुआ? नौ। नौ सत्ता तैसठ, छह तीन मिलकर कितना हुआ? नौ। नौ अष्टा बहत्तर, सात दो मिलकर कितना हुआ? नौ। नौ अष्ट नौ नौ इक्यासी, एट वन आठ एक मिलकर कितना हुआ? नौ। देखो ये जो उदाहरण दिया ना, ये गोस्वामी जी ये चीज को उदाहरण देते हैं, कहते सब अंक धोखा देता है, सब अंक दो दो दुगुण चार, दो चौक आठ, सब अलग हो जाता है, दो तीन छः, सब ये अंकों को छोड़ देता है, इसको साथ में जो मिलता है ना वो छोड़ता है, लेकिन ये नौ अंकों को साथ में जो मिलता है किसको छोड़ता है, नहीं जोड़ कर रखता है। समझ गए कि नहीं बात? कौन कौन समझ गए? समझ गए? जो अंक बनता है वो नौ को साथ में चूंकि जुड़ा हुआ है, वो किसी को छोड़ नहीं रहा है, वो सबको जोड़ दिया, नौ नौ हो गया, नौ दो अठारह हो गया, एक आठ नौ हो गया, सब जो मिलता है ना वो सबके सब नौ 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 हो रहा है। कहते यहाँ गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, नौ अंक जैसे किसी को छोड़ नहीं रहा है, भगवान राम कौन सा तिथि में जन्म हुए? नवमी। कहते भगवान ये नवमी तिथि को कोई चुने, और कोई तिथि में प्रभु राम क्यों नहीं आए, ये नवमी तिथि में ठाकुर जी क्यों आए? बोलते नवमी तिथि ये सर्वश्रेष्ठ अंक में, सर्वश्रेष्ठ अंक कौन सा अंक है? नौ। नौ है ना, सबसे श्रेष्ठ अंक एक है, एक दो तीन चार नौ सबसे बड़ा अंक नौ है, हैं? उससे बड़ा अंक कुछ नहीं है, इसलिए उसी तरह भगवान से बढ़कर के दुनिया में कुछ है नहीं, बस नौ को साथ में जो जुड़ते हैं ठाकुर उसको छोड़ नहीं रहे, उसको अपना साथ में ठाकुर जी जोड़ देते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं, तुलसी अपने राम को भजन करो निस्संग, निस्संकोच होकर किसको भजन करो? बोले भगवान राम को भजन करो। बोले क्यों भजन करे? बोले आदि अंत निर्भये जैसे नव का अंक। हो सकते ही प्यार को याद कर लेना, बहुत अच्छा प्यार है, इसको याद कर लेना, बहुत अच्छा प्यार है। इसलिए भगवान बड़े दयालु, भगवान बड़े कृपालु है, इसलिए कल भगवान रामचंद्र का जन्मतिथि है, इसलिए कल हम भगवान पाँच छः दिन होगा तो हम राम कथा पाँच छः दिन राम कथा सुन लेंगे, क्योंकि गुरु जी जब रहते थे ना करीब 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 नौ दिन तक कथा सुनाते थे, क्योंकि गुरु जी बहुत अच्छी कथा सुनाते थे, हैं बहुत प्यारी प्यारी गुरु जी राम की बड़े सुंदर सुंदर कथा सुनाते थे, हम भी कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत सुनने के लिए, ठीक है? बोले बादशाह गलम दुर्भ कृपा सिंध भाई बच पतिता नाम पावने भो वैष्णव भो नम। वो आदि तो बता बल हरे कृष्ण हरे।